सो हे व्हाट इज अप गाइस, आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं रेडियो मास्टर का TX12 Mark II ELRS वाला वर्जन। तो ये हमने ख़रीदा है जी हमारे पाकिस्तानी रिटेल स्टोर से। तो वैसे आप देख सकते हैं कि इसके पीछे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जो भी पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। अच्छा, ये हमने ख़रीदा है बिलाल FPV से, जो कि पाकिस्तान में बेस्ट कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूटर है। आप चाहें तो इनका इनकी वेबसाइट पे जाके विज़िट कर सकते हैं और यहाँ के प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं। तो बाय द वे, ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, बस यहाँ से प्रोडक्ट आया है तो मैं इसे अनबॉक्स कर रहा हूँ। लेकिन हम फिर भी बिलाल भाई को रिक्वेस्ट करेंगे कि स्पॉन्सर की जाए और हमें पे किया जाए इस काम के लिए। उम्मीद है बिलाल भाई इस पे काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी TX12 Mark II की फ़र्स्ट लुक आती है, जो कि एक प्यारे से बॉक्स के अंदर आती है। और सबसे फ्रंट पे हमें यहाँ पे कुछ स्टिकर्स दिखते हैं रेडियो मास्टर्स के, जो कि हम कहीं भी लगा सकते हैं। और मतलब बहुत ही फैंसी स्टिकर्स हैं, क्वालिटी सही में तगड़ी है स्टिकर्स की भी। तो अब यहाँ पे स्टिकर्स के अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ये एक मैनुअल, जिसकी हमें शायद कोई ज़रूरत नहीं, इसे फेंक देना ही बेहतर है। तो कौन पढ़ता है आजकल के ज़माने में मैनुअल। तो अब हम चलते हैं अपने ट्रांसमीटर के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास TX12 की फर्स्ट लुक, जल्दी से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और ये बहुत ही क्लासिक लुक के साथ, इट्स माई फर्स्ट टाइम ऑन TX12 और सही में बड़ी क्लासिक लुक है, बहुत लाइट वेट। और आई थिंक ये बहुत ही बेस्ट रहेगा क्वाड फ्लायर्स के लिए, जो भी फ्लाई करना चाहते हैं FPV क्वाड्स और चाहते हैं कि उनका ट्रांसमीटर के मामले में अगर बजट अच्छा है तो वो इसकी तरफ लाजमी जाए, क्योंकि बड़ी ही फिट किस्म की ग्रिप है। और इसकी जो जॉयस्टिक्स हैं उनकी क्वालिटी तो बेस्ट है। तो यहाँ पे USB Type-C और यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस, बटन, स्विचेस, एंटीना और भी काफ़ी सारे स्विचेस मिल जाते हैं हमें, जहाँ से हम इसके मोड्स और इसको आर्म और डिसआर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसकी लैच है, जिससे हम इसे कैरी कर सकते हैं, बड़ी फिट क्वालिटी की लैच है यहाँ पे। और उसके बाद हमें जो दूसरा ऑप्शन दिखेगा, यहाँ एक एक्सटर्नल मॉड्यूल का दिखेगा, जहाँ पे हम TBS क्रॉस फायर लगा के या फिर कुछ भी रेंज बूस्टर वाला मॉड्यूल लगा के यहाँ पे हम ELRS का मॉड्यूल लगा सकते हैं अपने रेंज बूस्ट के लिए। तो ये भी बेहतरीन हो जाता है जब आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं। तो यहाँ पे नीचे हमें बैटरी कंपार्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 18650 वाले जो एक होल्डर है वो हमें अवेलेबल होता है, साथ उसके एक 2S वाली केबल लगी हुई है, जो कि आई थिंक इसमें लगती है। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त काम हो गया कि हम अपने 18650 वाले सेल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक USB Type-C भी है, जिससे हम इसकी चार्जिंग भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बैटरी कंपार्टमेंट। अच्छा, तो गाइज मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इसको जो हमने ऑन करके इसकी सेटिंग्स में जाना था, वो वाली वीडियो क्लिप है वो हमसे डिलीट हो चुकी है। तो उसको हम किसी और वीडियो के लिए रख लेंगे। तो अभी के लिए ये Part 1 हम कंसीडर कर लेते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू। Love to the game, bro, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bro. Never stop.